धर्मशाला जाते वक्त बिलासपुर के रेस्ट हाउस घुमारवीं में रुके मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी लोकसभा सीट सहित प्रदेश की चारों सीटों पर होने वाले उपचुनावों में जल्द ही उम्मीदवारों की घोषणा करने की बात कही। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह द्वारा अधिकारियों व कर्मचारियों पर दिए बयान को गैर जिम्मेदाराना बताया। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत पर भी किसानों को बहकाने का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि भाजपा चुनाव समिति की बैठक में चारों सीटों पर उम्मीदवारों का नाम तय कर जल्द ही घोषणा कर दी जाएगी। वहीं मंडी लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में प्रतिभा सिंह का नाम लगभग तय होने पर फिल्म अभिनेत्री कंगना को चुनाव में उतारने को लेकर पूछे गए सवाल पर सीएम जयराम ठाकुर ने चुनाव समिति की बैठक में ही नाम तय होने व भाजपा कार्यकर्ताओं को ही चुनाव में टिकट दिए जाने का दावा किया है। वहीं कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह द्वारा अधिकारियों व कर्मचारियों पर दिए गए बयान को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने गैर जिम्मेदाराना बताते हुए कड़ी निंदा की है। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किसान नेता राकेश टिकैत पर भी कृषि कानूनों को लेकर किसानों के मुद्दे उठाने की बजाय उन्हें गुमराह करने का आरोप लगाया। तो विचित्र लग रहा है, वो बहुत एक तरफ से बोल रहे हैं कि हमने बहुत सारी सरकारें देखी हैं, पहली बार विधायक बने और उसके बाद कितनी सरकारें देखी है, वो अपने पिताजी के समय की सरकारों को शायद जिक्र कर रहे थे। मुझे उस बारे में कुछ नहीं कहना है, लेकिन प्रदेश के कर्मचारियों अधिकारियों का हिमाचल के विकास में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। कर्मचारियों को इस प्रकार से धमकी देना सार्वजनिक मंच से पटक पटक करके मारेंगे, तो ये शब्द हमने पहली बार सुना और ये कोई जिम्मेदारी के साथ बात कही गई ऐसा नहीं है। उनको समझना चाहिए कि वो अब विधायक हैं और अब विधायक होने के साथ साथ में कर्मचारियों और अधिकारियों का एक दायरा होता है काम करने का, और हिमाचल प्रदेश के विकास किसी प्रदेश या देश के विकास में उनका एक योगदान होता है। इससे ज़्यादा मुझे उनको कुछ ज़्यादा सलाह देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आगामी चुनाव की तारीखें तय हो गई हैं, कैंडिडेट तय होने हैं, उसके बाद चुनाव लड़ा जाएगा। कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, बीजेपी अभी पिछड़ी है। घोषणा तो नहीं की है, पैनल भेजा है, हम भी बहुत जल्दी घोषणा करेंगे। तो मंडी से किसको लड़ाना चाहते हैं? कोई लड़ेगा, पार्टी का कार्यकर्ता लड़ेगा। अभी तक कुछ नहीं है, आज चुनाव समिति की बैठक आज बैठक के बाद। राकेश टिकैत के ऊपर क्या बोलना चाहिए? किसानों को गुमराह कर रहे हैं कि उनका पक्ष रख रहे हैं? बिल्कुल गुमराह कर रहे हैं। सिटी चैनल के लिए बिलासपुर से विजय भारद्वाज की रिपोर्ट।